जनपद संभल के गुरनौर तहसील क्षेत्र में हाथरस कांड के दोषियों को सजा की मांग करते हुए सफाई कर्मी काम ठप करके धरने पर बैठे। जनपद संभल के गुरनौर तहसील क्षेत्र में सफाई काम ठप कर धरने पर बैठे सफाई कर्मी हाथरस कांड पीड़िता के हथियारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के बैनर तले दिया जा रहा धरना। इस विषय में धरने पर बैठे अभिषेक वाल्मीकि ने बताया कि हाथरस में जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है उसमें पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। इसी प्रकार बरवाला में आज सभी सफाई कर्मचारियों ने काम ठप करके धरना दिया है। देखिएगा 14 सितंबर को बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार करके हाथरस कांड में और उसकी जीप काटी गई। ये आंदोलन एक जन आंदोलन हो गया है जिसको लेकर प्रदेश के हर जिले हर गांव में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सफाई व्यवस्था ठप की जा रही है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसी प्रकार बबराला के अंदर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनाइटेड यूनियन के अध्यक्ष नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र वाल्मीकि जी के नेतृत्व में बबराला के समस्त सफाई कर्मचारियों ने सफाई कार्य बंद कर बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने का काम किया है। और मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि बहन मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों को जब तक फांसी नहीं होगी उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत में ये आंदोलन जारी रहेगा और सफाई व्यवस्था ठप रहेगी और जरूरत पड़ी तो मुझ जैसे युवा हम आत्मदाह भी करेंगे। मेरा आपके मीडिया सोशल मीडिया से ये माध्यम है कि ये हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ। जय वाल्मीकि, जय भीम।